हेलो फ्रेंड, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज आपके साथ लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे डायनेमिक चार्ट विद सेल फंक्शन इन एक्सेल। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से बिना किसी वीवीए कोडिंग का यूज करें आप अपने फार्मूले को या अपने चार्ट को किस तरीके से डायनेमिक कर सकते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें लिखा है एम्प्लॉय वीकली सेल टेबल, जिसमें हर एम्प्लॉय की सेल को बताया जा रहा है कि उसकी हर वीक में कितनी सेल हुई है। साथ साथ आप एक बात देखेंगे, अगर मैं जिस पर क्लिक कर रहा हूँ वो हाइलाइटेड हो रही है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ हाइलाइटेड हो रही है। साथ साथ हाइलाइटेड होने के साथ साथ यहाँ पर उस बंदे का नाम आ रहा है, उसका चार्ट बन रहा है, और मैं कहीं और क्लिक करता हूँ तो मेरा ओवरऑल चार्ट रेडी हो जाता है। मतलब ये टोटली डायनेमिक है और इसमें हमने खाली एक ही फार्मूले का यूज किया है जिसका नाम है सेल फंक्शन। तो अगर आप इस तरह की चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके साथ इस तरह की एडवांस और इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आते हैं जिसका यूज आप अपनी रिपोर्टिंग सेशन में बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक जो बात करता है डायनेमिक चार्ट विद सेल फंक्शन इन एक्सेल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस फार्मूले को कॉपी करना है। हमने कॉपी करा, टेबल को कंट्रोल एन करके एक नई शीट बनाई और राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल करा, पेस्ट एज अ कॉलम विड करा एंड अगेन कंट्रोल वी कर दिया। तो ये इस तरीके से टेबल मुझे मिल गई। सबसे पहले मैं इस टेबल में से एक चार्ट क्रिएट करूंगा। क्या करूंगा, चार्ट क्रिएट करूंगा। चार्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस एरिया को सिलेक्ट करना है और मैंने इसे कंट्रोल के साथ इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। मैं अभी एक ही चार्ट बना रहा हूं, ठीक है, ओवरऑल और दिस वे। इसके बाद मैं इंसर्ट पे गया, यहाँ पर वैल्यू पे आया और एक यहाँ से चार्ट क्रिएट कर लिया जस्ट लाइक दिस वे। ये करा, इसके बाद फॉर्मेट या डिजाइन में गया और यहाँ से कोई भी एक चार्ट ले लिया जो आपको सही लगेगा। मैंने एक ये चार्ट ले लिया, इस पर राइट क्लिक करा, फॉर्मेट डाटा सीरीज पर गया और इसको फिल में जाकर एक टॉपिक मिलता है जिसका नाम होता है वेरी कलर बाय पॉइंट, ताकि ये मुझे इस तरीके से दिखे। ये इस तरीके से आ गया। इसके बाद मैंने इस वाले हिस्से पर डबल क्लिक करा, फॉर्मेट पे गया, मैंने इसको ब्लैक कर दिया, साथ साथ मैंने इसे बोल्ड कर दिया और साइज को मैंने 1 पॉइंट तक बढ़ा दिया। तो मेरा इस तरीके से कुछ डायनेमिक हो गया। क्लियर, अब मुझे करना क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं जिसको भी सिलेक्ट करूं यहां पर ये उसका चार्ट बन जाए, नहीं तो सबसे पहले मैं जिसको सिलेक्ट करूं वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से वो हाइलाइटेड होता हुआ दिखे। तो हाँ, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक फार्मूला को पता होना चाहिए जिसका नाम है सेल। आपको पता है सेल फार्मूला क्या करता है, अगर सेल फार्मूले में अगर मैं यहाँ से रो नंबर दे दूं, इंटर मार दूं, अभी मैं रो नंबर 5 पे खड़ा था तो इसने मुझे 5 दिया, लेकिन अगर मैं रो नंबर 20 पे खड़ा हूं और F9 करूं तो मुझे रो नंबर 20 दे देगा। मैं नीचे जाऊं F9 करूं, मतलब अपडेट करूं शीट को, तो ये मुझे 22 दे देगा। तो सेल फार्मूला क्या करता है कि तुम अगर कहीं और खड़े हुए तो तुम्हें उसका रेफरेंस नंबर दे देगा। अब मैं इसी फार्मूले की मदद लूंगा, मैंने इस फार्मूले को कॉपी करा, इस वे करने के बाद मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब मैंने यहां से लेकर यहां तक एरिया सिलेक्ट करा या इस एरिया को सिलेक्ट करा, मैं इंसर्ट पर गया, सॉरी होम पर गया, कंडीशन में आया, नए रूल में आया और यूज फार्मूले में जाकर सबसे पहले मैंने इसे पेस्ट करा। मैंने कहा सेल, सेल के अंदर रो, अगर ये इक्वल टू है किसके, रो नंबर इसके इसके इक्वल है, मैंने इसे अनफ्रीज कर दिया, मैंने इसे किसी से फ्रीज नहीं करा और मैंने इसे अनफ्रीज कर दिया। अगर ऐसा है तब तुम क्या करना, जब तुम फार्मूला चलाना और किसको, इसको हाईलाइट कर देना। मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट करा,
और जस्ट लाइक ये वाला फॉन्ट ले लिया थोड़ा डार्क वन, अप्लाई अप्लाई, ये इस तरीके से हो गया। अब देखो मैं यहां खड़ा हूं ना, लेकिन अभी अपडेट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मुझे F9 करना पड़ेगा, F9 करना पड़ेगा, F9 करना पड़ेगा। या तो आप फार्मूले में जाकर बार बार इसे कैलकुलेट ना करोगे, तो आप चाहते हैं कि सर बस मैं क्लिक करूं ये अपडेट हो जाए, तो उसके लिए आप एक कोडिंग लिख सकते हैं। आप डेवलपर पे जाएंगे, विजुअल बेसिक पर जाएंगे, शीट का नाम आपकी बुक टू है, ठीक, फाइल का नाम बुक टू है, आप इस पर डबल क्लिक करें। यहां से आप एक एलिमेंट ले लें जिसका नाम है वर्कशीट, यहां से ले लें चेंज इवेंट, और बस एक चीज डाल दें, क्या? एप्लीकेशन डॉट कैलकुलेट, बस इतना करना है बस। अब इससे फायदा यह है कि आप कहीं भी क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक तुम्हें कलर होता हुआ दिखेगा। अब मैंने इसका फायदा उठाकर अपना ये कलर तो करा लिया, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब मेरे चार्ट को भी चेंज होना है इसके बिहाफ से, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंडीशन लगाऊंगा यहां पर, मैं बोलूंगा सबसे पहले इफ, देखिए अगर इन पर क्लिक है तो इनका चार्ट बन जाए, लेकिन अगर इसके बाहर कहीं और क्लिक है तो मतलब हमें इसका चार्ट बन जाए, जस्ट लाइक दिस वे, क्लियर? तो स्टार्ट कितने से स्टार्ट है, 5 से, खत्म कितने पर है, खत्म है 11। अगर इनके बीच में आता है तो ठीक है, नहीं तो हमेशा वो 12 दे दे। तो मैं कंडीशन चलाऊंगा, मैं बोलूंगा इफ, इफ के अंदर मैं बोलूंगा एंड, कहूंगा सेल, सेल के अंदर लगा दूंगा रो, लाइक दिस वे रो। अगर ये ग्रेटर देन है, कितने से, 4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन, ठीक है, 4 है, एंड सेल, एंड कॉमा लगा दिया मैंने, सेल रो लेस देन इक्वल टू कितनी है, 11 है, तो ठीक है, तो मुझे क्या करना, सेल के अंदर उसका रो नंबर दे देना, ठीक है, अदरवाइज तुम मुझे 12 नंबर दे देना, जस्ट लाइक दिस। अभी मेरा कर्सर अगर इसमें आएगा तो मुझे ये 10 रो नंबर देगा, इसमें आएगा तो 6 देगा, लेकिन जब नीचे जाएगा तो वो 12 दे देगा। इससे मुझे अब एक बेनिफिट मिल गया, क्या, कि मैं जहां खड़ूंगा मुझे उसका रो नंबर मिल जाएगा, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, उसका रो नंबर मिल जाएगा। अब मुझे एक डायनेमिक एड्रेस बनाना है। डायनेमिक एड्रेस बनाने के लिए आपको पता होगा, जैसे मैं इसका नाम डाटा रख देता हूं, मैंने इसका नाम डाटा रख दिया। अब मैं इस शीट से अगर मैं इक्वल करके इस शीट पर जाता हूं तो देखो यहां पर एक एड्रेस मिलता है, क्या मिलता है, डाटा शीट, फिर साइन, और किससे, Q6 से लेकर P7 तक। तो अगर मुझे एक डायनेमिक बनाना है तो मैं इस रेफरेंस को कॉपी कर लूंगा, अपनी डाटा शीट पर आऊंगा और यहां जाकर Ctrl+V के साथ पेस्ट कर दूंगा। अब इसी को मुझे डायनेमिक करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर इसे इक्वल लगाऊंगा, या मैंने इक्वल लगाया, इसके बाद मैंने इसे इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, इस टेक्स को फिक्स कर दिया, और यहां कॉनकेटेनेट साइन का यूज करके जहां मेरा Q6 था इसे रिमूव कर दिया। अब मेरा स्टार्ट कितने से होगा, एफ से, तो मैंने यहां लिख दिया एफ, कॉनकेटेनेट एफ, और इसे किसके साथ लिख दिया, इसके साथ, क्योंकि रो नंबर तो हमेशा यही रहेगा ना, तो मैंने यहाँ रो नंबर डाल दिया दिस वन, क्लियर, कॉमा, ठीक है। इसके बाद सेम मैंने यही काम करा यहां पर, इसके साथ मैंने फिर कॉनकेटेनेट यूज करा, ठीक है, और इसको इसको फिर कॉनकेटेनेट कर दिया, इसके बाद पी को रिमूव कर दिया, और लास्ट कॉलम क्या है मेरा, एफ एम, तो मैंने इसे एम के साथ कॉनकेटेनेट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, और इसे रिमूव कर दिया, और इसे क्या दे दिया, ये नंबर दे दिया। तो इससे बेनिफिट क्या हो गया, F12 से लेकर M12 तक, मैं यहां क्लिक करूंगा तो M5 से लेकर F5 से लेकर M5, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डाटा, F8 से लेकर M8, मैं इस पर कर लूंगा तो ये मिल जाए। मुझे इस तरीके से
एक डायनेमिक फार्मूला मिल गया। अब मुझे करना क्या है, ये तो मेरा काम हो गया, अब मैं चाहता हूं कि मुझे ऑटोमेटिक यहां पर मिल जाए किसकी आप रिपोर्ट देख रहे हो, पीके की, जैक की, लोरा की, प्रिंस की, किसकी देख रहे हो। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगा दो, क्या सिंपल सा, एफ एफ मतलब क्या, क्योंकि आपकी हेडिंग है एफ, इसे सिलेक्ट करा, कॉनकेटा नेट कर दिया इसके साथ, तो मुझे एक एड्रेस मिल गया F12, और इसे मैंने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जिससे मुझे एक नाम मिल गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका नाम आ जाएगा और जस्ट लाइक दिस। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको फार्मूले को कॉपी करूंगा और यहां जाकर कंट्रोल सी के साथ यहां पर जहां एफ था, ठीक है, जहां Q1 था, उसकी जगह मैं से कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। अब इस फार्मूले को कॉपी करूंगा पूरे को और इसे इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, किसके अंदर, इस पूरे फार्मूले को इस रेफरेंस के अंदर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से कॉपी करा, यहां गया और मैंने R3 में से कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दी, इसे मैंने रिमूव कर दिया। इस फार्मूले को पूरे को मैंने कॉपी करा, ठीक है, लाइक दिस वे कॉपी हो गया। कॉपी हो जाने के बाद मैंने यहां पर Q1 है इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी के साथ, और जहां एम यहाँ और यहां भी मैंने कंट्रोल पी कर दिया, जिससे अब मुझे इस रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब मुझे करना क्या है, इस पूरे फार्मूले को कॉपी करना है कंट्रोल सी के साथ, ठीक है, मैंने कॉपी करा, मैं फार्मूले में गया, नेम मैनेजर में आके एक नया नाम बना दिया, मैंने लिख दिया चार्ट, ठीक है, चार्ट टाइटल या जो भी है मैंने यहाँ पर लिख दिया ओनली चार्ट, या सीरीज नेम मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, सीरीज नेम अंडरस्कोर नेम, ठीक है, और इसे फार्मूले को कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया, मैंने इसे क्लोज कर, ये क्लोज हो गया। इसके बाद इस पूरे फार्मूले को कॉपी करा, ठीक है, कॉपी करने के बाद अब इसे मैं इनडायरेक्ट के अंदर भेज दूंगा, ये अभी एक टेक्स्ट है, रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए नेम मैनेजर के अंदर जाऊंगा, यहां से लिख दूंगा, ठीक है, सेल वैल्यू लाइक दिस वे। अब यहां पर सबसे पहले मैं इनडायरेक्ट चलाऊंगा और उसके अंदर इस फार्मूले को कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए कहीं ना कहीं गलती हो गई, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर इक्वल बटन दबा दिया, इसे हटा दें, फार्मूला रेडी हो गया। अब आप इसे डिलीट कर दें, ये डिलीट हो गया। चार्ट पर जाएं या राइट क्लिक करें, सिलेक्ट डाटा पर जाएं, सिलेक्ट डाटा पर यहां पर क्लिक करें, ऐड करें, सबसे पहले इसको लिंक कर दें किसके साथ, वैल्यू के साथ, तो आप इस सबको हटा दें, खाली उस शीट का नाम रखें और जो साइन होता है इस साइन के साथ, और अब F3 दबाएं, यहां से लिख दें क्या, सीरीज नेम, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, मैं इसे क्विट करता हूँ, दोबारा ऐड पर जाता हूँ, ठीक है, और यहां से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ लाइक दिस वे F3 सीरीज नेम लाइक दिस वे, एक्सेल फाउंड अ प्रॉब्लम विद वन और मोर रेफरेंस इन दिस वर्कशीट, कह रहा है इसके अलावा भी कोई और रेफरेंस है, मैं चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये चार्ट सिलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, चेंज पर, सिलेक्ट डाटा पर जाता हूँ, ऐड पर आता हूँ, सबसे पहले नीचे वाले को चेंज करते हैं, इसे मैंने चेंज करा, F3 करा, यहां से मैंने वैल्यू ले लिया और इसे ओके कर दिया, तो देखिए चार्ट मेरा इस तरीके से आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस तरीके से चार्ट मुझे दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये इस तरीके से चार्ट आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने एक काम और करना है, क्या, राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट डाटा पर जाना है, ऐड पर जाना है, और यहां से जहां F2 था इसे आप चेंज करें, ठीक है, मैंने इसे दोबारा से रिमूव करा पूरा, किसी एक को लिंक करा और यहां से इसको हटाया, F3 करा और यहां से मैंने इसको ले लिया, लेने के बाद मैंने ओके करा, एक्सेल फाउंड अ प्रॉब्लम विद वन और मोर फार्मूला रेफरेंस इन वर्कशीट, ठीक है, इसके लिए कह रहा है कहीं और फार्मूला आपने लगा रखा है इसके अंदर, तभी ये इस तरीके से दिक्कत कर रहा है।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो फार्मूला है ना F3 करके, ये नेम मैनेजर का फार्मूला पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको इसको लिंक कर देता हूँ किसके साथ, इसे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, सिलेक्ट डाटा पर जाता हूँ, ऐड, और इसे रिमूव करके इसके साथ लिंक कर देता हूँ, बस अप्लाई और ओके। अब यहाँ क्लिक करो, क्लिक करो, तो इस तरीके से देखिए चार्ट रेडी हो गया, चार्ट रेडी हो गया। अब आप क्या करें, इस टाइटल को उठा दें, इस चार्ट को इस तरीके से कर दें, तो ये चार्ट आपका कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब आपको इधर रख देना है, अब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो प्रिंस का चार्ट बन गया, यहाँ क्लिक कर दोगे तो इसका चार्ट बन गया। इसके बाद अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है या डिजाइन, तो आप अपनी मर्जी से डिजाइन ले सकते हैं, जस्ट लाइक दिस वे, दिस वे, दिस वे, जो भी आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं, क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए एक प्रॉब्लम ये आ गई, देखिए यहाँ पर संडे में जीरो दिख रहा है और यहाँ आपका एम इस तरीके से जा रहा है, तो पता है आपको एक काम करना है, क्या आपको सिलेक्ट डाटा में जाना है, जो आपने यहाँ फार्मूला लगाया है ना, आप इसे क्लिक करें, न्यू में जाएं, और जो ये आपने ये वाला फार्मूला लगाया वैल्यू वाला, इसे ऐड करें। ऐड करने के बाद जहां आपने एफ दिया है ना, एफ की जगह आप इसको जी दे दें, क्योंकि वैल्यू जी से स्टार्ट है, तो मैं एफ की जगह यहाँ पर जी कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर जी कर दिया, और यहाँ तो एम, ठीक है, अप्लाई, अप्लाई, क्लोज, ठीक है। अब ये आपका चार्ट परफेक्ट तरीके से हो गया, क्योंकि एम पर का तो वैल्यू को पिक कर लेगा, इसलिए मैंने जी से लेकर एम कर दिया। अब देखिए चार्ट डायनेमिक हो गया, बस आप इसके फॉर्मेट को एक अच्छा सा लुक दे दें, लाइक दिस वे, हमने इस वे से दे दिया। इसके बाद जो इसकी ग्रिड लाइन है वो हमने रिमूव कर दी है, और इसको हम इस पर डबल क्लिक करके फॉर्मेट पर जाएंगे, और फॉर्मेट पर जाने के बाद इसका फॉन्ट हम वाइट दे देंगे, ठीक है, वाइट दे दिया। इसके बाद हमने इसे इधर कर दिया, साइज को बोल्ड कर दिया, तो एक जस्ट लाइक इस तरीके से हमें ये दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, क्लियर है। अब आप व्यू में जाएं, ग्रिड लाइन, हेडिंग रिमूव कर दें, और इस तरीके से एक डायनेमिक चार्ट का यूज कर सकते हैं, और देखिए कितनी जल्दी ये चार्ट बन गया, और साथ साथ कितना ऑटोमेशन वाला चार्ट है। तो आप इस तरीके से अपनी एक डायनेमिक रिपोर्ट बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और आप इस वीडियो का यूज करके आप अपनी रिपोर्ट को बहुत ज्यादा यूजेबल बना सकते हैं, क्लियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।